हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे चैनल बायोलॉजी एकेडमी में। और आज हम लर्न करते हैं क्लास 7 चैप्टर 18 वेस्ट वाटर स्टोरी। वेस्ट वाटर, इट इज़ ए कंटामिनेटेड वाटर, कि इसमें हो सकते हैं कुछ पैथोजेंस, और ये पैथोजेंस दे कैन कॉज ए डिजीज़। इट इज़ नॉट यूजेबल, वेस्ट वाटर इट इज़ नॉट यूजेबल ड्यू टू केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट्स। और पॉल्यूटेंट्स होते हैं सब्सटेंसेस, और ये सब्सटेंसेस ये पॉल्यूट करते हैं वाटर को। केमिकल पॉल्यूटेंट्स लाइक केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स ये कॉज करते हैं वाटर पॉल्यूशन। फिजिकल पॉल्यूटेंट्स लाइक डस्ट, डेड बॉडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई। वेस्ट वाटर के लिए एक टर्म और यूज की जाती है, और उसे कहा जाता है सीवेज वाटर। सीवेज वाटर इट इज़ ए डोमेस्टिक एंड म्यूनिसिपल वाटर। डोमेस्टिक जो हमारे हाउसेस से रिलीज होता है, और म्यूनिसिपल वाटर इट इज़ रिलीज्ड फ्रॉम आवर सिटी। द डोमेस्टिक वाटर इट ड्रेन्स फ्रॉम सिंक, शावर, टॉयलेट एंड लॉन्ड्रीज। हमारी अर्थ पर लगभग वाटर है 71%, और इस 71% में से ओनली 1% वाटर इज ड्रिंकिंग वाटर। तो बहुत सारा जो वाटर है ये हमारी पॉपुलेशन को अवेलेबल नहीं हो पाता है। क्लीन वाटर इज नॉट अवेलेबल ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ, कि ह्यूमन पॉपुलेशन ये बहुत हाई है। पॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, लीक ऑफ वाटर कंजर्वेशन एक्टिविटीज एंड मिसमैनेजमेंट वाटर डे एंड डिकेड्स। द सेलिब्रेशन ऑफ वर्ल्ड वाटर डे, इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 22nd मार्च एवरी ईयर सिंस 2005। एंड जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली ने एक पीरियड 2005 से 2005 तक ये अनाउंस किया एज इंटरनेशनल डिकेड फॉर एक्शन ऑन वाटर फॉर लाइफ। और इस बीच में बहुत सारे एफर्ट्स किए गए फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर। यूज ऑफ क्लीन वाटर लाइक ड्रिंकिंग, also bathing, cooking, and it is also used for washing. Waste water or sewage treatment. Sewage, it is a municipal waste water, means शहर का सारा गंदा पानी। Sewage, it is a waste water released by homes, industries, hospitals, offices, flowing rain water, etc. सीवेज, इट इज ऑल्सो कंटेंस डिजोल्ड एंड सस्पेंडेड पार्टिकल्स। तो डिजोल्ड पार्टिकल्स के लिए एक टर्म यूज की जाती है TDS, टोटल डिजोल्ड सॉलिड, एंड TSS, टोटल सस्पेंडेड पार्टिकल्स। तो यहाँ डिजोल्ड का मीनिंग होता है कि पानी में घुली हुई इम्प्योरिटीज, सस्पेंडेड जो होती हैं सॉलिड इम्प्योरिटीज, और ये सेटल होती हैं एट द बॉटम ऑफ सरफेस। सीवेज, इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है, एंड इट कंटेनिंग सस्पेंडेड सॉलिड्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज, न्यूट्रिएंट्स, सेप्रोफाइट्स, डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोब्स। सीवेज, इट इज कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज लाइक ह्यूमन फीकल मैटर, एनिमल वेस्ट, ऑयल, यूरिया एंड यूरिन, पेस्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स, इन दोनों का यूज़ किया जाता है एग्रीकल्चर में, और ये भी होते हैं काफ़ी हार्मफुल, फॉर एग्जाम्पल DDT, फ्रूट एंड वेजिटेबल वेस्ट। तो ये होती हैं ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज। इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज इसमें इंक्लूड करते हैं नाइट्रेट, फॉस्फेट एंड मेटल्स, सम न्यूट्रिएंट्स लाइक फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन, और कुछ बैक्टीरिया होते हैं इसमें
सर्वाइव विब्रियो कोलेरा, और विब्रियो कोलेरा ये कॉज करता है कोलेरा डिजीज। तो अगर कोई गंदा पानी पीता है तो वो हो सकता है कोलेरा डिजीज से इन्फेक्टेड। सिमिलरली साल्मोनेला पैराटाइफी, इट इज़ कॉज्ड टाइफॉइड डिजीज, और ये दोनों ही डिजीज होती हैं वाटर से। तो इस तरह की डिजीज़ को कहा जाता है वाटर बोर्ने डिजीज, कि ये डिजीज होती हैं गंदे पानी की वजह से। सपोज़ अगर कोई डिजीज होती है डर्टी फूड की वजह से, तो इस तरह की डिजीज़ को कहा जाता है फूड बोर्ने डिजीज। तो टाइफॉइड इट इज़ ए ऑल्सो फूड बोर्ने डिजीज, और इस सीवेज में प्रेजेंट होते हैं कुछ प्रोटोजोवा, और ये कॉज करते हैं डिसेंट्री। कंटामिनेंट सर्वे, तो आप एक टेबल में देख सकते हैं कि स्लेज वाटर ये रिलीज होता है किचन से, और इसमें हो सकते हैं वेजिटेबल पील्स, लेकिन ये पॉल्यूशन कॉज नहीं करता है। सेकंड है फाउल वेस्ट, ये रिलीज होता है टॉयलेट से, और टॉयलेट से रिलीज होने पर ये कंटामिनेट होता है एक्सक्रेटा, ह्यूमन एक्सक्रेटा एंड फीकल मैटर। तो एक्सक्रेटा होता है यूरिन, और इट इज़ ए पॉल्यूटेड एंड इट आल्सो हार्म्स अदर थिंग्स। थर्ड इज ट्रेड वेस्ट, और ट्रेड, ट्रेड का मीनिंग होता है व्यापारिक, मीन्स काफ़ी ज़्यादा कमर्शियल, एंड इट इज़ ओरिजिनेटेड इन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स ये ओरिजिन होता है इसका फैक्ट्रीज में, और इसमें सब्सटेंसेज होते हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स, और ये होता है हाईली पॉल्यूटेड। और हाईली पॉल्यूटेड में जो लिविंग इसे कंज्यूम करता है ये उसे तो हार्म करता ही है, साथ में ये पास होता है थ्रू फूड चैन, कि जिस तरह से हमने डिस्कस किया था प्रीवियस चैप्टर्स में कि ग्रास को कंज्यूम करता है ग्रास होपर को फ्रॉग को कंज्यूम करता है स्नेक, और स्नेक को ईगल। तो होगा क्या कि अगर हम यहाँ पर ग्रास या फिर क्रॉप, तो यहाँ पर यूज़ करते हैं DDT, तो ये DDT पास होता है कहाँ पर, ग्रास होपर से लेकर कहाँ तक, ईगल में, और ईगल में जाकर ये हो जाता है स्टोर, और यहाँ पर ये डिस्ट्रॉय करता है इसके एग्स को। इसी वजह से हमारे सराउंडिंग्स में ईगल ये बहुत कम हो चुके हैं ड्यू टू DDT। सीवर एंड सीवरेज, तो यहाँ पर दो टर्म है सीवर। सीवर होता है स्मॉल एंड बिग साइज ऑफ पाइप, छोटे और बड़े, दैट ट्रांसपोर्ट द सीवेज, मीन्स जो वेस्ट वाटर है उसका करते हैं ट्रांसपोर्ट, कहाँ पर, फ्रॉम ओरिजिन टू ट्रीटेड और डिकम्पोज्ड साइट। मान के चलिए कि हमारे हाउस हैं, यहाँ से पाइप के थ्रू ये वाटर जाता है कहाँ पर, डिकम्पोज्ड साइट पर, ये है डिकम्पोज्ड साइट। तो इस पाइप को कहा जाता है सीवर एंड सीवरेज। सीवरेज होता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम दैट कैरीज सीवेज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द पॉइंट ऑफ डिस्पोजल, और इस तरह से अलग अलग हाउस अलग अलग सिटीज से ये करता है कलेक्ट, और कलेक्ट करने पर एक बनता है सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और इसे कहा जाता है सीवरेज। इस सीवरेज में लगभग 50-60 meters की डिस्टेंस पर होते हैं मैन होल, इस तरह के होल बने हुए होते हैं, ये मैन होल प्रेजेंट होते हैं जहाँ पर चेंज करनी होती है डायरेक्शन ऑफ सीवरेज। यहाँ से डायरेक्शन चेंज की है तो यहाँ पर प्रेजेंट होगा मैन होल, और साथ में ये हेल्प करते हैं फॉर क्लीनिंग ऑफ सीवरेज लाइन। ट्रीटमेंट ऑफ पॉल्यूटेड वाटर, तो हमें करना है पॉल्यूटेड वाटर का ट्रीटमेंट, तो इसके लिए हम वाटर नॉर्मल वाटर लेते हैं, इसमें ऐड करते हैं कुछ ग्रासेस, कुछ वेजिटेबल पील्स, डिटर्जेंट और इंक, ब्लू या
रेड कलर की इंक हम इसमें लेते हैं। तो सबसे पहले जो स्टेप होगी, जो हमारा ये डर्टी वाटर जो हमने बनाया है, इसकी पहली स्टेप होती है एरिएशन। और एरिएशन का मीनिंग होता है कि हम इसमें पास कराते हैं एयर। और जब हम इसे एयर पास कराते हैं तो इससे होगा क्या कि बैक्टीरिया और फंजाई ये होते हैं ग्रो, इस एयर की वजह से ग्रो होते हैं बैक्टीरिया एंड फंजाई। और ये बैक्टीरिया और फंजाई जब ग्रो होते हैं तो ये कंजम्पशन करते हैं ऑर्गेनिक मैटर, मीन्स जो भी इसमें पॉलिटेंट्स हैं, इस वाटर में पॉलिटेंट्स हैं, इन्हें करते हैं ये एब्जॉर्ब। और एब्जॉर्ब करने के बाद में वाटर को करते हैं क्लीन। एरिएशन के बाद में जब हम इसमें एरिएशन करते हैं तो बैक्टीरिया और फंजाई ग्रो होंगे, ग्रो होने पर ये एब्जॉर्ब करते हैं पॉलिटेंट्स को। सेकेंड स्टेप हम लेते हैं कि इसमें करते हैं हम फिल्ट्रेशन, और फिल्ट्रेशन के लिए हम लेते हैं फनल, इस तरह की एक फनल। और इस फनल में हम फिल करते हैं एक फिल्टर पेपर, यहाँ पर कौन से फिल्टर पेपर, और फिल्टर पेपर में सबसे पहले इंसर्ट करते हैं हम सैंड। सैंड के बाद में सेकेंड लेयर में हम फिल करते हैं फाइन ग्रेवल, मीन्स बहुत ही बारीक बजरी। और टॉप लेयर में हम फिल करते हैं मीडियम साइज ग्रेवल। तो इस तरह से ये बनाता है एक फिल्टर सिस्टम। और जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल था इसे हम फिल्टर करते हैं विद द हेल्प ऑफ फनल। और इसके बाद में जब वाटर होता है फिल्टर तो यहाँ पर हम ऐड करते हैं क्लोरीन। और क्लोरीन एक गैस है, साथ में क्लोरीन टैबलेट्स भी मार्केट में मिलती है, और ये दोनों वाटर को करती हैं क्लीन। तो इस तरह से हम नॉर्मली पॉल्यूटेड वाटर को कर सकते हैं ट्रीट, एंड इट कैन बी यूज फॉर अदर पर्पज़। या तो हम इसे डायरेक्ट रिवर में डाल सकते हैं या फिर पॉन्ड, एंड इट कैन बी डिस्चार्ज्ड इन सॉइल, कि हम इसे सॉइल में डिस्चार्ज कर देते हैं जिससे कि वाटर लेवल को ये कर सकता है अप। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट चेंजेस डिड यू ऑब्जर्व इन द अपीयरेंस इन द लिक्विड आफ्टर एरिएशन। तो पहली स्टेप क्या थी हमारी, एरिएशन थी। तो एरिएशन जब हम करते हैं तो पॉलिटेंट्स क्या होंगे, ये एब्जॉर्ब होते हैं, और एब्जॉर्ब होने पर क्या होगा, वाटर दिखाई देता है क्लीन, इट लुक लाइक्स क्लीन। सेकंड, डिड एरिएशन चेंज द ऑर्डर, तो ऑर्डर भी चेंज होगा बिकॉज इट एब्जॉर्ब पॉलिटेंट्स, कि माइक्रोब्स जो हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं पॉलिटेंट्स को, सो दे प्रिवेंट ऑर्डर। व्हाट वाज रिमूव्ड बाय द सैंड फिल्टर, यहाँ पर जो हमने फिल्टर लगाया है बॉटम में वो कौन सा फिल्टर था, सैंड फिल्टर। और सैंड फिल्टर ये ट्रैप करता है डिजॉल्व्ड इम्प्योरिटीज़ को, कि ऐसी अशुद्धियाँ जो पानी में घुली हुई हैं। डिड क्लोरीन रिमूव द कलर, तो आंसर होगा यस, ये कलर को करता है रिमूव, एंड ऑल्सो ये प्रिवेंट करता है ऑर्डर। और ऑर्डर के साथ साथ ये स्पेशली प्रोड्यूस करता है क्लोरीन ऑर्डर, कि क्लोरीन की अलग से आती है स्मेल। तो आपने घरों में ऑब्जर्व किया होगा कि जब हमारे हाउसेज में आता है टैप वाटर तो कभी कभी उसकी स्मेल अलग होती है, इट मीन्स इट इज़ ड्यू टू क्लोरीनेशन। द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज वेस्ट वाटर और सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। तो इसे कहा जाता है STP, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। और STP से हम रिमूव करते हैं इम्प्यूरिटीज़, अशुद्धियाँ लाइक फिजिकल जो दिखाई देती हैं, फिजिकल प्रेजेंस है जिनकी, केमिकल मीन्स जो केमिकल फॉर्म में है, एंड बायोलॉजिकल मीन्स जो लिविंग्स और पैथोजेंस इसमें प्रेजेंट हैं। तो हम सीवेज ट्रीटमेंट को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, STP को टू पार्ट्स में। पहला है प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकंड है सेकेंडरी ट्रीटमेंट।
तो इसकी जो स्टेप है प्राइमरी ट्रीटमेंट, सबसे पहले हम करते हैं फिल्ट्रेशन, छानते हैं, उसके बाद करते हैं सेडिमेंटेशन, इसके बाद स्टार्ट होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। और सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हम पहले ग्रो करते हैं एरोबिक बैक्टीरिया, मींस ऐसे बैक्टीरिया और फंजाई जो ग्रो होते हैं एयर में। इसके बाद ट्रीटमेंट किया जाता है एनएरोबिक, मींस ऐसे माइक्रोब्स ग्रो किए जाते हैं जिन्हें ऑक्सीजन की या एयर की ज़रूरत नहीं होती है। तो फाइनली इसके बाद में हमें मिलता है क्लीन वाटर, और इस क्लीन वाटर का यूज़ किया जाता है डायरेक्टली वी कैन डिस्पोज इन रिवर या फिर पॉन्ड्स में भी डाल सकते हैं, इन एग्रीकल्चर में भी यूज़ किया जा सकता है, एंड ऑल्सो सीवेज वाटर इट कैन बी डिस्चार्ज इन ग्राउंड टू इंक्रीज द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट स्टेप फिल्ट्रेशन, और फिल्ट्रेशन में हम रिमूव करते हैं फिजिकल वेस्ट लाइक रैग्स, स्टिक, कैंस, प्लास्टिक पैकेट्स, नैपकिंस, पॉली बैग्स एटसेट्रा, और इसके लिए यूज़ किया जाता है बार स्क्रीन। तो आप देख सकते हैं कि इधर से ही जब ये वेस्ट आता है वेस्ट वाटर, तो लार्ज साइज इम्प्यूरिटीज़, फिजिकल इम्प्यूरिटीज़ को बाहर की तरफ रोक लिया जाता है, और यहाँ पर कर लेते हैं इसे कलेक्ट, और इसके बाद रिमेनिंग वाटर इट इज़ पास फॉर सेडिमेंटेशन। तो लर्नर्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, अपने सजेशन और कमेंट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल बायोलॉजी एकेडमी। थैंक यू।